नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन वुमेन की वॉलीबॉल टीम जो है इंडोनेशिया जा रखी है एवीसी चैलेंजर कप खेलने के लिए। और खुशी की बात यह है कि आज ही इंडिया का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हराया है। जैसा कि आप ये हाईलाइट्स देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसके हेड कोच है रसल बोरगार्ड। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है इंडिया की टीम। इंडिया की टीम के जो है हेड कोच है मिस्टर प्रीतम सिंह चौहान जी हैं, और जो लिबेरो है वो है रविंद्रन अश्वथी, सेटर जो है हेमलता है। हमारी जो टीम है वो ब्लू में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खेल रही है। और ये हाईलाइट्स है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से लाइव देख सकते हो। इसी चैनल पे आप लाइव भी देख सकते हो। ठीक, इंडियन वुमेन्स टीम ने ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के खिलाफ 4 सेट खेले, जिसमें से पहला सेट इंडिया की टीम 24-13 से हार गई, क्योंकि इंडिया की टीम अपना रिदम नहीं बना पाई। जबकि दूसरा सेट ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडिया की टीम ने एक तरफा हराया 16-25 से। तीसरे सेट में ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी करने की कोशिश की, पर फिर भी इंडिया की टीम ने उसे 25-22 से हराया। और चौथे सेट में इंडिया की टीम ने एक तरफा सेट को जीतते हुए 25-13 से मैच को अपने नाम किया। तो भाई आज का अपडेट तो इतना ही है। इंडिया की जो मेंस टीम है वो भी बाहर जा रही है खेलने के लिए, उसकी भी मैं अपडेट आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो। अगर आप एक इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर हो तो भाई आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में।